नहीं रहता। क्यों बरकत नहीं मिलती, क्यों शिफा नहीं मिलती, क्यों रिहाई नहीं मिलती, क्यों शादमानी नहीं आती, वजह क्या? रीजन ये है कि हमारी तवज्जो खुदा के कलाम पर नहीं है। मैं क्या तू एक महीने के अंदर 28 का महीना है, 29 दावे, 3 दावे, 31 दावे, अगर हम रोज की एक आयत भी पढ़े ना तो कितनी आयतें जमा हो जाएंगी? तुसी मेरे नाल रहना, 3 दिन च किनिया आयत हो जाएंगिया? 3 आयत तुहानू आ जानिया, तो सोचो 30 आयतें अंदर आ जाएंगी तो जिंदगी के अंदर कितनी बरकतें आ जाएंगी। आज यहां मैं किसी को खड़ा करके पूछ लूँ ना कि तुझे कितनी आयतें आती हैं, कितना खुदा का कलाम आता है, कितने अरसे से लोग चर्च आ रहे, कलाम की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता। हमारा ध्यान कौन सी बातों पर रहता है? रुसना, नाराज होना, मुंह बनाना, यही इन्हीं चीज़ों में हमने ज़िंदगी गुजारी। उससे नहीं बात करो, वो देना ना बोली, वो दे ना जाए, इन्हीं चीज़ों को हमने खुद भी यही सीखे आगे बच्चों पर भी ट्रांसफ़र कर रहे। अगर आप शरीयत की किताब में देखें तो लिखे वो अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाते थे। क्यों खुदा का कलाम सिखाया जाता था, क्यों खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाया जाता था? उनको पता है सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती है तो वो खुदा के कलाम में है। अगर खुदा के कलाम पर ही हमारा ध्यान नहीं है, इसीलिए तो हमारा ध्यान भटकता रहता है, इसीलिए तो शैतान हमारे ऊपर हैवी हो जाता है, गलबा पा जाता है, इसीलिए तो शैतान हमें बार बार वगला लेता है, गुनाह में ले आता है, बदी में, नापाकी में ले आता है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर खुदा का कलाम नहीं है। आज से अहद करें, इरादा करें कि मैं खुदा का कलाम सुनूंगी, खुदा का कलाम पढ़ूंगा, खुदा का कलाम की तरफ ध्यान लगाऊंगा। गुनाह से बचना चाहते हैं, कोई और जरिया नहीं, वो खुदा का कलाम है। खुदा देखने में कैसा है, खुदा छूता कैसे है, खुदा देखता कैसे है, खुदा का हाथ किस तरह का है, आपको दुनिया की किताबों में नहीं पता चलेगा। आपको एक ही किताब से पता चलता है, वो खुदा का कलाम है। खुदा किस तरह का हम कैसे पता कर सकते हैं? खुदा को जानना कोई आसान बात नहीं है। छोटा मोटा खुदा बनाकर तो हम हाथ से देख दें कि ये हमारा क्या है, खुदा है, देखकर ईमान लाना चाहते हैं, चीज़ों को देखकर ईमान लाते हैं। जब हमारे काम होते हैं फिर हम कहते हैं कि खुदा है, जब हमारे काम नहीं होते हम छोटी छोटी चीज़ों पर खुदा से नाराज़ हो जाते हैं। खुदा हमारा हर हाल में हमारे काम करना चाहता है, पर बात यह है कि उसको जानना, उसको पहचानना, उसकी तरफ ध्यान लगाना। हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा तो खुदा कैसे काम ज़िंदगी में करे? खुदा इसलिए तो काम नहीं ज़िंदगी में करता क्योंकि हमारा ध्यान ही खुदा के कलाम पर नहीं, हमारी तवज्जो ही खुदा के कलाम पर नहीं, और बातों पर, दुनिया की बातों पर, कामों पर, उलझनों पर लगे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आमीन। आज से कौन कौन खुदा का कलाम ध्यान से सुनेगा और तवज्जो से सुनेगा? आइए मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 19वीं आयत। पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब उसका 23वां बाब और 19वीं आयत। तो अब तुम भी आज रात यही ठहरो। गिनती की किताब 23वां बाब और 19वीं आयत। गिनती की किताब 23 बाब और 19 जी। तो अब तुम भी आज रात यही ठहरो ताकि मैं देखूं कि खुदावन मुझसे और क्या कहता है। और खुदा ने रात को
बलराम गिनती की किताब निकला जी। खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले जी, और ना आदमजात है, और ना आदमजात है कि अपना इरादा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा उससे ना करे, या जो फरमाया उसे पूरा ना करे। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे, आमीन। यहाँ खुदा बात कर रहा है कि खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले। खुदा की क्वालिटीज खूबी ये है कि खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा जो कहता है वो करता है। आज का मेरा मजमून है खुदा का इरादा। क्या है मजमून खुदा का इरादा? खुदा ने जो इरादा फैसला कर लिया, दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती। लिखा खुदा इंसान नहीं के झूठ बोले, ना ही वो आदम जात है कि अपना इरादा बदले। आदम जात कौन है? इंसान। यानी इंसान की जिंदगी में यही है, इरादों में तब्दीली, बातों में तब्दीली, सोचों में तब्दीली, सोचों में तब्दीली, बातों में तब्दीली। बहुत लोग हैं जो बातों में वर्गला लेते हैं। कहता है खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। दुनिया में कोई बंदा सच्चा नहीं, एक ही सच्चा है जिसने फरमाया कौन है जो मुझ पे गुनाह को। कोई दुनिया का ऐसा बशर ही नहीं है जो इतना बड़ा दावा कर सके। कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो खुदा की हजूरी में खड़ा रह सके। कोई ऐसा आदमजात बना ही नहीं दुनिया के अंदर जो लश्करों के खुदा के आगे खड़ा हो। कहता खुदा इंसान नहीं कि वो क्या करे, झूठ बोले, ना ही वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। बल्कि कहता है जो कुछ उसने कहा है ऐसा नहीं उसने किया, जो कुछ वो कहता है वैसा नहीं वो करता, वो जैसा कहता है वैसा करता भी है। यानी खुदा ने कहा है कि मैं करूंगा, फिर बाद में कह दे मैं नहीं कर सकता। खुदा ने फरमा दिया है कि जा बेटी तेरे गुनाह, क्या कहा खुदावंद ने, जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। अब दुनिया की कोई ताकत भी इल्जाम नहीं लगा सकती, दुनिया की कोई ताकत पत्थर लेकर खड़ी नहीं हो सकती जिसको खुदा का बेटा यीशु माफ कर दे, जिस पर वो रहम कर ले, जिस पर वो तरस खा ले। उसको कोई ताकत दुनिया की नहीं है जो उसके आगे खड़ी हो सके। उसने इरादा किया कि मैं इस बेटी को शिफा दूंगा, तो वो शिफा आपको देगा। उसने इरादा किया है कि मैं इनको बरकत दूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको बरकत लेने से रोके। उसने इरादा किया है, कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं। अब दुनिया के हुक्मरान है, सदर है, काउंसलर है, कोई भी है, या दुनिया की ऐसी कोई कुवतें या हुकूमतें हैं हमारे खुदावंद को रोके, उसने इरादा कर लिया है वो जल्द आने वाला है, तो उसके इरादे को कोई बदल नहीं सकता। उसने इरादा किया है। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा खुदावंद, पहले उसने क्या काम किया, वो खुदावंद के कदमों में झुक गया। कहाँ झुक गया? खुदावंद के कहाँ झुक गया? खुदावंद के कदमों में। खुदावंद के कदमों में झुक गया और उसकी फरमाइश डिजायर किया है, उसकी खुदा से बातचीत किया है। आकर खुदावंद को कहता है कि खुदावंद मैं जान गया हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे इरादों में तब्दीली नहीं है। खुदावंद ने एक बात उससे पूछी, आज खुदावंद आपसे और मुझसे भी पूछता है, उससे कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए, मेरे साथ रहिए। उसने कहा क्या चाहता है कि तेरे लिए,
वो कहता है क्या चाहता है तू मेरी बेटी मेरे बेटे, तू क्या चाहता है, तेरी चाहत क्या है, तेरी मर्जी क्या है, तेरा इरादा क्या है, तेरा फैसला क्या है। हमारी बातों में गोलमोल हो सकता है, काम हम बातें घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। अजीजों आज खुदावन भी हमसे कहते हैं बताओ मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तेरे लिए क्या करूं। हम खुदावन के पास नहीं आते, उसकी हजूरी में नहीं बैठते, उसके कदमों में नहीं बैठते, उससे बातचीत नहीं करते, उसके साथ वक्त नहीं गुजारते। जब तक उसके साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर आते हैं तो जाते हैं, जिस तरह आएंगे वैसे ही चले जाएंगे। जिंदगी में तब्दीली नहीं, जिंदगी जैसी है वैसी की वैसी है। अजीजों मसीही लोगों का किरदार मिजाज ऐसा होना चाहिए कि हमारे उठने बैठने से लोग जाने के ये मसीही लोग हैं, हमारे बोलने से पता चले कि ये मसीही लोग हैं, हमारे पहनने ओढ़ने से पता चले कि ये कौन से लोग हैं, मसीही लोग हैं। जब हमारे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं बिना वजह के, मेरा दिल बहुत दुखता है कि ऐ बेटी मसीह है ते ऐ बेटा की है मसीह है। वड़ियां वड़ियां वालियां पेंट टूंगी हुई है, फोन फड़िया है, जिंदगी का कोई तरीक़ेकार ही नहीं, हम लोगों का पता ही नहीं, कोई एजुकेटेड नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई मसीहत में नाम नहीं आगे करा, कोई मसीह के नाम को आगे जलाल नहीं दिया। लिखे अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो, हमारे बदन से जलाल जाहिर होना चाहिए, ना कि हमारे बदन से हरामकारी जनाकारी की बात हो। जलाल तो दूर की गल है, स्टेटस से सारा जलाल सामने आ जाता है। स्टेटस बेंदे हो ना, चर्च आने वालों के स्टेटस इन्ना खराब है तो दूजियां का खिंचदा होगा। चर्च आने वाले ईमानदार उन्हों का स्टेटस वेख के तो दिल करता है कोई स्टेटस ही भन छड़े। स्टेटस समझते क्या होता है, पंजाबी कहते ने मुकाम, इंग्लिश चौदह नाम है जी स्टेटस। इसका स्टेटस देखो कितना ज़बरदस्त इसका स्टेटस है, इसने अपनी मेहनत से एक मकाम बनाया, एक स्टेटस बनाया। तो हमारे लोगों ने क्या मकाम बनाया पता है, हमारी मसीह बेटियाँ बेटे ओना मकाम टिकटॉक च बनाए, बजाय कि टिकटॉक रहें, खुदा के साथ चलें, सन्सियर रहें, खुदा की हजूरी में रहें, लोग जाने के ये मसीही लोग हैं, मसीह खानदान है। लिखे तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जो मेरे नाम से क्या करते हैं कहलाते हैं। बाज हमें कहते हैं अभी क्या चर्च के लोग भाई जी बहते हो आ लोगों का काम है, क्या लोगों का तो काम है बातें करना, उन्होंने मुड़ना नहीं है, तुसी सही भी हो गए गल करे बगैर रहना नहीं है। पर बात यह है कि मौका क्यों दे, लिखा है इब्लीस को मौका ना दो, वो हम में सुराख देखता है, हम में देखता है किस जगह पर इसको मैं गिराऊं, किस मुकाम से इसको गिराऊं, इसको दुनिया की शोहरत इज्जत दिखाऊं। माई अवा को क्या उसने कहा, उसने कहा ये फल जो है देखने में खुशनुमा मालूम होता है। कैसा मालूम होता है खुशनुमा, समझते हो क्या होता है, जब कपड़े वाली दुकान पे कपड़े ले जाने हैं ना, लेडीज बड़े चमक दमक वाले होते हैं, और मैं जाना ना भाभी तुहाड़ी ना, फिर कहेगी मेरा हस्बैंड दर्जी है, अब कहेगी चमक वाले ले लो, मैं आना है कपड़ा बकार ही चमक ही नज़र आती है, एक दो तलाइया जो काम हो जाना, उतो बड़ी चमक दमक है अंदरों पर बेकार। हवा को यही मसला कर दिया, दुनिया की चमक दमक रंगीनी दिखाई। लिखा है वो देखने में बड़ा खुशनुमा मालूम होता था, बड़ा ज़बरदस्त मालूम होता है। पहली बात आँखों को देखने में, हम अपनी ज़िंदगी का फैसला किससे करते हैं, आँखों से। आँखों से फैसला कैसे करते हैं पता है आपको, हम किस तरह इरादा करते हैं, आँखों देखी पर
यकीन कर लेते हैं। हम चाहते हैं हमारा काम हो जाए। खुदा में देख नहीं रहा, हम खुदा को देखना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं खुदा को कौन कौन देखना चाहता है? आप सब खुदा को देखना चाहते हैं। आप सब किसको देखना चाहते हैं? खुदा को। खुदा को देखना चाहता है, खुदा आपको देखना चाहता है। और लोग, आपको पता है, आप चलते फिरते एक किताब है, एक मसीह किताब है। लोग आप में से मसीह को देखना चाहते हैं। आई जे के गई जे आई है। लोग आप में से मसीह को देखते हैं कि कितना ये मसीह है, ये वाकई ही में मसीह दिखता है या खाली नाम का ही है। उसने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरी मर्जी क्या है, तू चाहता क्या है, तेरी चाहत क्या है। उसने कहा खुदावंद, खुदावंद मैं चाहता हूं कि कोर से पाक साफ हो जाऊं। ये प्रॉब्लम कई अरसों से है, ये बीमारी कमजोरी जिंदगी में कई अरसों से है, ये इलाज जो है लाइलाज है। आप देख रहे हैं दुनिया का आखिर है, कोरोना खत्म नहीं हो रहा, लोग खत्म होते जा रहे हैं। वक्त जो है वो बड़ी तेजी से गुजर रहा है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, दिन गुजर जाता है। सुबह जाओ 8 घंटे दी नौकरी करो, कार आओ, खाओ पियो। देखो ये अगर कोई मूवी देखनी है बच्चियां ने, 3 घंटे नाल बह के वो देख के टाइम काट दो। बात समझ रहे हैं, बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहा है। और गया हुआ वक्त जो है वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आना। इसी वक्त के अंदर इसी वक्त को थाम कर रखना है, इसी वक्त के साथ हमने खुदा के साथ चलना है। कलाम में लिखा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन केड़े दिन चल रहे ने बुरे। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है मसीह लोगों के साथ, मसीह बेटियों के साथ क्या हो रहा है। ये मत सोचें कि ये होगा नहीं, यीशु मसीह ने फरमाया है। जब यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा, औरतें रोने लगी कि हमारे खुदावंद पर इतना जुल्म हो रहा है। उसने कहा मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो। ये जिस दौर में रह रहे हैं सुनिए, कहता है मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। हरे दरख्त के साथ ऐसा हुआ, तुम तो सूखी डालियां हो, तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। अजीजों आज का दौर बड़ा खतरनाक है। ओना किसानों को जो कहना सी आप ही गुनाह फंसे, उन्होंने हमसे क्या कहा, हम खुद ही गुनाह के गुलाम हो गए। हालांकि मसीह ने हमें गुलामी के जुए से छुड़ाकर अपनी बादशाही में दाखिल कर दिया, आज भी हमारे लोग गुनाह के गुलाम हैं। उसने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा मैं चाहता हूं खुदावन कोर से क्या हो जाऊं, चुप कर गए, कोर से क्या हो जाऊं, पाक साफ हो जाऊं। सिर्फ पाक नहीं बल्कि साफ, नीट क्लीन, बिल्कुल क्लियर। इस बीमारी से मैं आजाद हो जाऊं। कितने लोग हैं जो बीमारियों का शिकार है, नहीं आजाद हो रहे। कितने लोग हैं बंधनों का शिकार है, नहीं आजाद हो रहे। जिस ही बंधन में बंधे हैं वो वहीं के वहीं बंधे हैं। हम दुआ तो करते हैं, दुआ का जवाब नहीं लेते। दुआ करते तो हैं पर खुदा से दुआ का जवाब नहीं तलब करते। कर ली दुआ, दुआ 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 पर दुआ। वो कहता है मैं तेरी दुआ ही नहीं सुनूंगा, क्योंकि दुआ के अंदर गुनाह है और गुनाहगार की दुआ भी दुआ में गिनी जाती है, वो गुनाह में गिनी जाएगी, कोई फायदा नहीं। तो दुआ खुदा के हुजूर जाता है। उसने क्या कहा कि कोर से मुझे क्या कर, पाक और साफ। पहले मेरी अंदर की हालत पाक और साफ हो जाएगी तो ये दुआ जो है आसमान को चीरती हुई सीधा आसमान पर जाएगी। आमीन। यानी कि दुआ ना टक्कर के होवे कि सिमसिम दी गेंदी वो इधर बाज दी है, इधरों सुटो करी बाज के उधर
हमारी दुआएं क्यों नहीं आसमान पर चली जाए। कलाम में लिखे मुकद्दसों की दुआएं सोने के प्यालों में डाल दी जाती हैं। जो मुकद्दस लोग हैं, ख़ास लोग हैं, अहम लोग हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदावंद ने क्या फरमाया उस कोड़ी से? खुदावंद ने कहा मैं भी ये चाहता हूँ। हमारे खुदावंद की चाहत देखें, वो हमें तंगी तकलीफ मुसीबत में नहीं देखना चाहता। वो झुके हुओं को सीधा करने की कुदरत रखता है, वो गिरे हुओं को उठाने की कुदरत रखता है, वो नाउम्मीदों को उम्मीद दे देता है, वो मायूसियों को ख़त्म करके शादमानी देना चाहता है। क्यों हम मायूस रहते हैं, क्यों हम नाउम्मीद रहते हैं, क्यों हम परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में? वजह क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हम खुदावंद को अपनी चाहत ही नहीं बताते। हमारी चाहत कौन सी होती है? हमारी चाहत ही बड़ी फ़र्क होती है। जिस्मानी चीज़ों की चाहत होती है, बदन की चीज़ों की चाहत होती है, ज़रूरत की चीज़ों की चाहत होती है, उन चीज़ों की चाहत होती है जिनको खुदा कहता है, पॉल कहता है मैं इनको कूड़ा और करकट समझता हूँ। हमने जो गंदगी या गले चलाई होंगी, जो नापाकी नाराज थी, हमने बोलते हैं यही हमें चाहिए। वही चीज़ों की वजह से खुदा और हम में गैप आ जाता है। उसने कहा मैं कोड से पाक और साफ होना चाहता हूँ। खुदावंद ने कहा, सुनिए, खुदावंद ने कहा मैं भी ये चाहता हूँ। तूने इकरार कर लिए, पहली बात यह है कि इकरार करना। जब तक आप इकरार नहीं करते खुदा की हजूरी में अपनी गलती, खताओं का, अपने कामों का, खुदा कुछ नहीं करता। बगैर इकरार के आप बहाल नहीं होंगे, बगैर इकरार के खुदा के पास खड़ा नहीं हो सकता कोई। उसने कहा मैं भी यही चाहता हूँ कि तो कोर से क्या हो जा, चुप डर गए वो, क्या हो जा कोर से तू पाक हो रे साफ। कोड़ लाइलाज बीमारी है, कोड़ का कोई हल नहीं है। मैंने देखा बस मेडिसिन निकालते, वो गीत भी सुनते ने दवाइयाँ हूँ सा नहीं नहीं खानी है, कोई बुरी गल नहीं। अगे एक बंदा मर गया ईसा नगरी से, वो पास्टर ने गलत दवाई, बुरी चीज़ नहीं है, उन्हें कहा तू दवाई नहीं खानी भैन, वो गुरदे अच पानी पै गया। डॉक्टरों ने बोला भाई इसको मेडिसिन की जरूरत, उन्हें कहा ना ईमान रख। उन्हें कहा भाई ईमान तो बड़ा हूँ, दुआ भी कराई है। तो करते करते वो बहन मर गई। तो दवाई कोई बुरी चीज़ नहीं है। बुज़ुर्ग पालूस रसूल जो थे वो भी मेडिसिन खाते थे, बुज़ुर्ग लुका रसूल थे वो खुद एक तबीब थे, यानी कि कोई बुरी चीज़ नहीं है मेडिसिन। बाद लोग कहते हैं आसानी दवाइयों में खानी, दवाई कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये मतलब एक गलत तरीकेकार है जो कहते हैं कि असां दवाइयाँ नहीं खानियाँ। और जिन्हें गाया उसकी लत का आप ही मसला है, बात समझे? तो ये बुरी चीज़ नहीं है, डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेना, मेडिसिन लेना, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये खुदा की तरफ से है, वो भी बना हुआ, यानी हमें जाना चाहिए। कहीं तो बड़े फख्र ना कहेंगे मैं तो बस भाई हूँ दवाई खानी ही छाड़ देती, जदों तो मैं पता चले मैं हूँ दवाई ही नहीं खाना, बल्कि दवाई तो भी दुआ करके खा जाओ, दवाई की भी आदत थोड़े को छोड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं भी ये चाहता हूँ, मेरी भी चाहत ये है कि तू कोर से क्या हो जा, पाक साफ हो जा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, उसने झूठ नहीं कहा कि खोरे होया सही कि नहीं। हम लोग शक में रहते हैं, हमें शिफा बरकत वजह क्यों क्यों नहीं मिलती, उसकी एक वजह है, एक रीज़न है, हम शक में रहते हैं। शक की वजह से कोई शख्स खुदा से कुछ नहीं पा सकता। आपकी ज़िंदगी में शक रहेगा खुदा से आप कुछ नहीं पा सकते। आपकी ज़िंदगी हमेशा डाउटफुल रहेगी कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा। करते हैं दुआ, मिलता नहीं है, बार बार करते हैं दुआ, होता नहीं है, क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर जो है ये शक को पैदा करती हैं। और शक्की आदमी लिखा समंदर की लहर की मानिंद है, जो बड़ी तेज़ी से उठती है। हम जज्बात से बड़ी दुआ करते हैं, जज्बात से करते हैं, जज्बात से करते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, जज्बाती दुआएं। ये आदि नहीं खुदा चाहता, खुदा ईमान वाली दुआ चाहता है।
कैसी दुआ चाहता है खुदा? ईमान वाले, जज्बात वाले नहीं। हम जज्बात से मांगना चाहते हैं, ख्यालात से मांगना चाहते हैं। खुदा ऐसे नहीं देगा। उसने कहा मैं भी ये चाहता हूं कि ये जो लाइलाज बीमारी है, ये जो मायूसी नाउमीदी की बीमारी है, इसका इलाज चाहे दुनिया में नहीं है पर खुदावंद यीशु मसीह हर इलाज करने की कुदरत रखता है। दुनिया में बहुत सी बीमारियां, दुनिया में एक से एक बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, नामी ग्रामी बीमारी है। एक बंदे को बीमारी लग गई, एक्निक मैनू भी थोड़ी निकली है। एक्निक होंगे ना छोटे छोटे दाग, मैं क्या ना कि अच्छा एक्निक तो बीमारी है नहीं ना। वाह, एक बंदे को लग गया बोन मैरो, बोन मैरो समझ, बोन मैरो की भी बीमारी है। बीमारियाँ तो ना किन्ने लेटस ने, कईयों कोई बीमारी होने नवा ना आ गया करोना वायरस। कोई ना कोई बीमारियों के नाम दुनिया में आजाद करते जाते हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, वक्त शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई, लो, बीपी, ये सारी बीमारियों के नाम इंसान की ज़िंदगी के अंदर रच बच गए हैं। कईयों तो हम मिलना है, कहेंगे वो बंदे ने जोड़ा शुगर वाला है उन्होंने मिलना है, वो कईयों का ना पै गया। अच्छा वो जिदा बीपी हाई रहा वो वाले बंदे ने मिलना जे, अच्छा वो वाली भैन जिदा बीपी लो रहा हर वक्त लंबी पई रही वो वाली, वो ना नहीं बुलाएंगे, उसके नाम से नहीं बुलाएंगे, उन बीमारी का नाम मिल गया। आपको पता है यीशु मसीह ने हर बीमारी के लिए कूड़े खाने। दुनिया में जितनी भी बीमारी हैं, हर एक बीमारी के लिए खुदा के बेटे यीशु ने मार खाई है। लिखे उसके मार खाने से तुम्हें शिफा मिल गई, उसके मार खाने से तुम्हें मुकम्मल शिफा मिलती है। आधी शिफा ने एक कान सही हो गया तो अद्धा रह गया वे डॉक्टर वाला काम, आंदा रहे तो जाता रहे, कमेटी पा ला, कई तो 200 की कमेटी पा ली है, बार बार चक्कर लवाने, फिर अगों कहेंगे पूरा कोरस कर ले। आप कलाम का कोरस पूरा कर ले, खुदा तुहानू कोई कोरस नहीं करन देगा, खुदा खुद ही शिफा दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कलाम से क्लियर हो जाएंगे, खुदा हमें खुद ब खुद क्लियर कर देगा। कोरोना से महफूज रहना चाहते हैं तो यीशु का लहू लगाना शुरू कर दीजिए। यीशु का लहू लग जाएगा, कोरोना तुहाड़े नेड़े भी नहीं आएगा, कोरोना नु पै जाएगा रोना। क्यों नहीं, हम हमारे लोग तड़पते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बदअमनी में रहते हैं, क्योंकि यीशु का लहू नहीं है उनकी जिंदगी में। जिस जिंदगियों में यीशु का लहू नहीं है, खुदा के बेटे यीशु का खून लग जाएगा, आप महफूज हो जाएंगे। लेकिन खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना ही वो आदमजाद है कि अपना इरादा, वो अपना इरादा नहीं बदलता, ना ही वो झूठ कहता है। लिखा है यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यक्षा है, यानी जो मौत है वो कल करता था वो आज भी करता है। यक्षा से मुराद ये है कि जैसा पहले था, जैसा पहले दिखने में था, हाथ लगाती थी वो 12 बरस की औरत जिसने हाथ लगाया वही शिफा पा गई। उसने 38 बरस से बीमार से कहा उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर, यानी इसका मतलब ये है कि जो काम वो पहले करता था वो आज भी करता है। कल वो मुर्दे जिंदा करता था तो वो आज भी मुर्दे जिंदा, कल भी वो शिफा देता था आज भी वो शिफा, कल भी आज़ाद करता था आज भी वो हमें आज़ाद करता है। जब हमारा ईमान ये होता है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है तो फिर खुदा हमने सब कुछ कर सकता है। आमीन। आइए अपने सर को झुकाते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावन की शुक्रगुजारी करें। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। अजीज़ो लिखा हर एक बात में खुदावन का शुक्र करूँ। शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं है, पर खुदा के पास सब कुछ है। आपकी शुक्रगुजारी आपको शिफा दे देगी। अजीज़ो जो कुछ आपके पास है आप ये सोचे दूसरे के पास नहीं है,
खुदावंद ने आपको जिस हाल में रखा है आप उसकी शुक्रगुजारी करें। शायद आपके लिए यही बेहतर था। उसने कहा, क्यों तू नादान औरतों जैसी बातें करती है? खुदा हमें सुख दे, दुख ना दे। शायद हम दुख देखकर खुदा को छोड़ देते हैं, शायद हम दुख देखकर खुदा से दूर हो जाते हैं, शायद हम दुख देखकर खुदा का इनकार कर देते हैं। पॉल कहता है, कौन सी चीज है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? दुनिया की कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते, ना हालात ना वाकयात। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, उसके पाक लहू की शुक्रगुजारी करें, उसके फसल के लिए शुक्रगुजारी करें, उसकी रहमतों बरकतों के लिए, उसके खुले हुए आसमान के लिए। अजीजों, अपनी जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन समझे, हर बात हर रात को आखिरी रात समझे। उसकी आमद बहुत जल्द है। कहता, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मेरी बेटी मेरे बेटे तू तैयार है, रेडी है। अपने आप को देखिए और तैयार होना शुरू हो जाइए, तैयार होना शुरू हो जाइए। कहिए, खुदावंद मुझे अपनी बादशाही के लिए तैयार कर, मैं तैयार होना चाहता हूँ, मैं तैयार होना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई नादानी है बेवकूफ़ी है तो उन्हें दूर कर दे खुदा। खुदा आप पर रहम करना चाहता है। खुदा आपकी सोच से बढ़कर काम करने की कुदरत। शायद हम दुनिया की चीज़ों में खो गए थे, दुनिया की चीज़ों के अंदर मसरूफ हो गए थे। कहता है, खुदावंद में मसरूफ हो जाओ तो खुदावंद तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदा में मसरूर हो जाइए, खुदा में खो जाइए। हम दुनियादारी में खोए हुए थे। दुनिया आपको निजात नहीं दे सकती, दुनिया के हुक्मरान निजात नहीं दे सकते। अगर निजात दे सकते तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। शायद आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं, आपके बंधनों को कोई नहीं खोल सकता। आपने कईयों को बोला मेरे ये मसले का हल हो जाए, उस मसले का हल नहीं हो पा रहा। पर अजीजों सुनिएगा, खुदा के बेटे यीशु के पास हर मसले का हल है, हर बीमारी का इलाज खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो ला इलाज बीमारी है दूर, बल्कि आपको इलाज कर देता है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। दुनिया के डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, पर मेरा यीशु नहीं। दुनिया की साइंस फेल हो जाती है, दुनिया की साइंस की और सोच हिकमत महदूद है, पर आपका और मेरा खुदा लामहदूद है। वो हर जगह पर मौजूद है। उसकी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजारी करें, बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी करें, दुआ करें, दुआ करें। आप कितनी दुआ करते हैं, आप कितनी खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं। आज सिर्फ इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तू मुझसे प्यार करता है, खुदावंद तूने मुझे संभाला है, खुदावंद तूने मुझे चुन लिया है, खुदावंद तूने मुझे अलग कर लिया है, खुदावंद तूने मुझे बहाल किया, खुदावंद तूने मुझे निजात दी है। उसकी शुक्रगुजारी करें कि आपको बादशाही के लिए अलग कर लिया है। उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने दुनिया में आप पर निगाह की है। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। आपको चुने गए लोगों, आप गिने चुने लोगों, आपके लिए आसमान खुल जाता है। आप दुआ करते हो तो बंजर जमीन सैराब हो जाती है। अजीजों, अपने आप को मामूली ना समझिए। कहता है, इन चिड़ियों को देखो, ये ना बोती है ना काटती है, ये ना बोती है ना काटती है। और आगे चलकर कहता है, तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से भी ज्यादा है। खुदा आपकी कदर करता है, खुदा आपकी इज्जत चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, तरक्की देना चाहता है, रिहाई देना चाहता है। दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। दुआ आपकी रुकनी नहीं चाहिए। इब्लीस चाहता है कि आप लोग दुआ करने वाले ना हो। वो बोलता है कि तुझे दुआ करनी नहीं आती, तेरी दुआ की तरतीब ठीक नहीं, तुझे दुआ के अल्फाज नहीं आते। इब्लीस तुझे यही खौफ में रखता है कि तू घर पर दुआ ना किया कर। इब्लीस तुझे इसी खौफ में रखता है कि तेरी दुआ या जिंदगी ठीक ना हो जाए। लेकिन इब्लीस का मुकाबला करो। आप दुआ करते हैं, उसके साथ मुकाबला करते हैं, आपकी फाइट होती है, जंग होती है। अगर आप फतह पाना चाहते हैं तो दुआ कीजिए। दुआ से आपके कांट छांट हो जाती है।
दुआ से आपकी जिंदगी बहाल हो जाती है। खुदा चाहते हैं आपके मसले बहाल हो जाए। खुदा चाहते हैं आज आप बहाल होकर जाएं। आज आप जैसे आए थे वैसे ना जाइएगा, आप जैसे आए थे वैसे ना जाइएगा, बल्कि जिस तरह कहते अब मैं साउल नहीं रहा बल्कि पालूस बन गया हूँ। खुदा आपको बदलना चाहता है, खुदा आपको चेंज करना चाहता है, खुदा आपके मिजाज को बदलना चाहता है, आपकी सोच को बदलना चाहता है। शायद हम कई अरसों से चर्च आ रहे हैं, हमारी जिंदगी में वही दुनियावी काम है। आज उन कामों को छोड़ दीजिए, उनसे तोबा कर लीजिए। लिखे ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है, हमें ख्याल नहीं रहता, हमारे ख्याल में ही नहीं आता। कहता है ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है मेरी बेटी, ख्याल कर मेरे बेटे के तू कहाँ से गिरा है। और कहता है तोबा करके, एक ईमानदार को भी तोबा की जरूरत है। सुनिए खुदा का कलाम फरमाता है, कहता है तोबा करके पहले की तरह काम कर। शायद तू पहले जैसे दुआ करता था, कलाम पढ़ता था, वैसे नहीं करता। दुनिया ने और दुनिया की फिक्रों ने तुझे फंसा लिया है। पहले की तरह बहाल हो जा, तो दुनिया को ना देख बल्कि उसको देख जो तुझे ज़िंदगी देता है, उसको देख जो तुझे रिहा करता है, उसको देख जो जल्द आने वाला है, उसको देख जिसने तेरे लिए लहू बहाया है, उसको देख जिसने तुझे चुनकर दुनिया से अलग कर लिया, उसको देख जो तुझे आसमानी मकामों पर बिठा देगा, उसको देख जो जल्द आने वाला है और वो तुझे लेकर जाना चाहता है। अगर गुनाह गलती है तो उसको छोड़ कर जाइएगा, खुद ही नापाकी नाराजगी है तो उसको आज यहीं दफन कर दीजिएगा। आज साउल नहीं बनकर जाइएगा, आज से पालूस बनकर जाइएगा। लोग जाने के ये वाकई मसीही बेटी है, लोग जाने ये वाकई मसीही बेटा है। हमारे मिजाज से किरदार से लिखा है ऐसा मिजाज रखो, हमारा ऐसा होना चाहिए मिजाज जैसा यीशु मसीह का। उसका मिजाज इतना नरम था, उसका मिजाज ही ऐसा था कि लोग उसकी तरफ खींचे आते थे, उसकी गुफ्तगू सुनने के लिए उसके पास बैठते थे, कहते थे ये कैसा शख्स है, ये जहाँ बैठता है वहाँ निजात का काम हो जाता है। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें।